चलो, वो कंप्लीट आपका हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था। चलो हाँ बेटा, चलिए तो सेकंड पार्ट में पढ़ लीजिए कुछ मेन टॉपिक जो है। पहले लिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सारा डिस्कस करना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सब चैप्टर कर लेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, चार्ज पोटेंशियल सब हम लोग बोर्ड में अलग अलग पार्ट में कर दिया गया है, ठीक है। देखो पहले जो स्टार्टिंग होती है वो बेटा हमारा होता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज, ठीक, चार्ज क्या होता है वो भी पास आ जाता है ना, दूर बैठे हुए जब सीट रहे तो आगे बैठना चाहिए, नहीं रहे तो बात अलग की है। हाँ, इधर बैठ जाओ, इधर खाली है, वहाँ से दिखने में दिक्कत हो, आगे फ्रंट खाली है। अभी लोग मेला घूमे होंगे ना कल, तो अभी आज दो दिन नींद पूरा करेंगे, थक गए होंगे पैदल यात्रा करके, तो आराम करेंगे तब आएंगे लोग, है ना। कौन सा पढ़ के लोग तुरंत डॉक्टर बन जाते हैं लोग, है ना। चलो देखो, तो पहला पॉइंट आता है बेटा चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे आपके बोर्ड में, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोर्ड में अलग अलग यूनिट का दिया गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है चार्ज, ठीक। जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चार्ज, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के। चार्ज जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं टू टाइप्स के, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्जिंग की बात आती है, किसी बॉडी के चार्ज या अनचार्ज होने की बात आती है, ठीक, उस कंडीशन में वो डिसाइड होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बेस पे। किसके बेस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स के बेस पे आपको डिसाइड होता है वो चार्ज है या अनचार्ज है। अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर किसी भी बॉडी में अगर सेम सेम, तो आप बोलते हो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल। मतलब किसी भी बॉडी में बेटा जितना पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स जितना उसमें है उतने ही अगर प्रोटॉन्स हैं, दोनों के नंबर इक्वल इक्वल है, तो हम लोग कहते हैं बॉडी कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन ऐसा ना कहिएगा कि न्यूट्रल बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल बॉडी है तो आप ये नहीं कह सकते उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बट नंबर कैसा है, इक्वल है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा दोनों पे चार्जेस की वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, साइन अपोजिट होता है। चार्ज ऐसे होता है कितना इलेक्ट्रॉन पे भैया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है कूलम्ब में, 1.6। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जब लेंगे साइन नेगेटिव ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोग लेते हैं उस समय कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के नंबर आपस में कैसे हैं, इक्वल इक्वल है, सेम सेम है, ठीक। अगर सेम सेम है तो आपका बॉडी जो होता है वो कैसा कहलाता है, आपका न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक। बट अगर दोनों के नंबर डिफरेंट डिफरेंट हैं, कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उस केस में बॉडी क्या लगता है आपका, इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, चार्ज होगा। अब दो कंडीशन बनेगा, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, जो भी आप दे रहे हो, एटम है, पार्टिकल है, जो भी आप है, ठीक, इसने अगर एन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। जब गेन कोई आपका सब्सटेंस करता है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो, उतना उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, उतने यूनिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन लिया होता तो एक यूनिट नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या यूनिट क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा दूसरा अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बी पॉजिटिव में और उतने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जितना निकालेगा उतना उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना लेगा उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है किसी, ठीक है, वो ड्यू टू क्या,
ट्रांसफर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन या बोथ? इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर गेन और लॉस, जो भी ट्रांसफर होता है बेटा इलेक्ट्रॉनों का होता है, नॉर्मल जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं ठीक है, उन सब में हमारा क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चाहे वो बॉडी गेन करती है ठीक या बॉडी लॉस करती है। लॉस करेगी तो उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा तो उतना नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक। तो लॉस और गेन, अब ये चीज़ें होती है फिजिक्स में, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुआ निकला या एक्सेप्ट किया, फिजिक्स में कहते हैं कि जो एनर्जी आयनाइजेशन के लिए देंगे हम, दो बॉडी को क्या करते हैं, जब रब करते हैं, अपने क्लास में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जब क्या करते हैं आप ऐसे ले लो, घर में हम लोग कंघी करते हैं ना बालों में, अगर आपके ड्राई हेयर हैं और क्या कंघी को आप बार बार रब करिए तो उसमें क्या होता है चार्ज हो जाता है, और आपने प्रैक्टिकल या तो उसमें बताया हुआ है छोटे कप पेपर के कप के इसके टुकड़े को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, या ठंडा का मौसम आ रहा है हम लोग वूलन कपड़े पहनेंगे, क्या पहनेंगे वूलन कपड़े पहनते हैं, जब कपड़े निकालते हैं ना तो आपके जो स्ट्रेस यानी कि क्या कहते हैं रोए हिंदी बोल देते हैं ठीक है, एयर स्ट्रेस उसको क्या करता है वो खींचता है, होता है ना जी ठीक। तो उस कंडीशन में रीजन क्या होता है, बार बार कपड़े रब करके बॉडी से क्या करते हैं ठीक है चार्ज हो जाते हैं, जो वूलन कपड़े होते हैं चार्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर हमारे स्ट्रेटजी जो लोग थोड़ा सा रेशमी वगैरह टाइप के इस टाइप के ज़्यादा कपड़े पहनते हैं इसीलिए उनको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पुराने टाइम के कॉटन कपड़े के ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे, जो कारण था उस समय अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, और दूसरी चीज़ थी क्या वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है ज़्यादा सेफ रहता है ठीक है, ज़्यादा क्या होता है सही रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कॉटन कपड़े को प्रेफर करते हैं, बट कॉटन कपड़े क्या होते हैं आजकल इतने ज़्यादा महंगे और रोज़ पता लगा दो दिन के बाद कलर क्या होता है गायब हो जाता है ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये है अगर किसके वजह बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है कॉटन ही सबसे बेस्ट होता है ठीक, इसीलिए उसके रेट क्या हो गए हम अच्छी क्वालिटी कॉटन भी काफ़ी महंगे आने लगे ठीक। चलो तो गई, तो फिलहाल चार्जिंग की बात हो गई बेटा, क्या हो गया चार्जिंग की बात हो गई, चार्ज क्या होगा ठीक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीपी बोर्ड वालों में तो कम बताया जाता है ठीक, अब तो एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, सुना है कि नहीं सुना है, एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होता है और एक पढ़ा होगा अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेशों का क्वांटीकरण, पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कितने लोग जानते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताओ सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दो तीन लोग हाथ उठा रहे हैं जी, मैं लखनऊ घूमे अच्छा नहीं घूमे, पाँच छः दिन घूमे थे क्यों जी, नहीं घूमे एक दिन नहीं घूमे, अरे अपना बता रहे हैं इसका बता रहे हैं, दोनों लोग नहीं गए, अच्छी बात चलिए, तो ये क्या होता है कि अनचार्ज पे जो आगे प्लस या माइनस बन जाएगा आवेश, कोई चार्ज होता है प्लस माइनस किसी किसी अन्य आवेश के द्वारा किसी किसी आवेश के द्वारा किसी अन्य आवेश पे चार्ज होता है, उसे इंडक्शन कहते हैं यार, हमने क्वांटाइजेशन पूछा है, क्वांटीकरण हिंदी पढ़ा होगा, आवेशों का क्वांटीकरण जी, हाँ फार्मूला तो सही है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चलिए बैठे उस चैनल पकड़ रहा है, हाँ जी आप भी कुछ कह रहे थे बैठे, पूर्ण ये वहाँ पर दिखा रहा पूर्ण संख्या कि ये फ्रैक्शनल है तो ये जाएगा तो एक दो तीन है ये नंबर में जाएगा इसमें, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, किसी भी चार्ज बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट होगा ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, बोला जाता है इसको इतना पहला हिडिंग कर लेते हैं, बाकी ऐसे दिखाना चाहे दिखा लीजिए, चार्ज मिलेगे कभी चार्ज एनी बॉडी लिख लग रहे हैं चार्ज में, एनी बॉडी अटेंड आइदर
आइदर निगेटिव आर पॉजिटिव चार्ज, आइदर निगेटिव आर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू गेन जी ए आई एन गेन ओ आर आर लॉस ऑफ गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के गेन या किसकी वजह से लॉस की वजह से क्या करेगा चार्ज वो क्या करता है अटेन करता है, मतलब चार्जिंग के लिए कह लो क्या किसकी वजह से हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से आपका चार्ज हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव और लॉस करेगा तो पॉजिटिव ड्यू टू गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। निगेटिव आ रहा है तो कब, जब गेन करेगा बेटा, पॉजिटिव आएगा कब जब वो लॉस करेगा, तो दो कंडीशन होते हैं आइदर गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब नीचे से हम लिखा दो मतलब बॉडी पे चार्ज दो ही टाइप के होंगे आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, और किसकी वजह से डेवलप होंगे साहब ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, जब दिया तो पॉजिटिव लिया तो निगेटिव, जैसे हम किसी पैसे लेते हैं तो उसके रेडी होते हैं कि उसके धनी होते हैं, उसके रेडी होते हैं ना, जैसे हमने आपसे पैसे ले लिए तो हम आपके क्या हो गए रेडी, तो लेने वाला क्या होता है रेडी, देने वाला क्या होता है धन, ठीक, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। हो गया, आप लोग राजन महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं क्या, राजन में पढ़ते हो? अच्छा, अरे हाँ तबियत पूछ रहे हैं ना, ठीक है, हो गया बेटा, चलो देखो फ्री कंडीशन आपका हो गया, यहाँ से आप कनेक्ट कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में कहते हैं बेटा आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या कहा बेटा चार्ज। देखो ये इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी चार्ज बॉडी में चार्ज की अमाउंट होगी, आगे अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी चार्ज बॉडी पे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के क्या होता है बराबर होता है, तो लिख लीजिएगा, देखिए द चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन एनी चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन एनी चार्ज बॉडी ऑन एनी चार्ज बॉडी विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अमाउंट से बोल रहे हैं बेटा, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, अरे पॉजिटिव भी चार्ज बॉडी होती तो प्लस लेंगे, नेगेटिव भी चार्ज बॉडी होगी तो माइनस लेंगे, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल भी क्या हो जाएगा बराबर होता है, वहाँ से प्रेजेंट कर देते जो दिया गया है, ठीक है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा या नहीं,
तो क्वेश्चन में इस पर बनता है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दे दिया जाएगा, चार्ज की अमाउंट पूछा जाएगा, विच अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कैन बी एग्जिस्ट ऑन द चार्ज बॉडी, लिख लेंगे, लिख लीजिए। इन गिवन चार्जेस, इन गिवन नहीं हुआ बेटा, इन गिवन चार्जेस, इन गिवन चार्जेस, ठीक, विच इन गिवन चार्जेस विच कैन बी एग्जिस्ट ऑन ए चार्ज बॉडी, विच कैन बी एग्जिस्ट ऑन ए चार्ज बॉडी, जो अमाउंट दिया जाए उनमें से कौन सा बेटा किसी चार्ज बॉडी पे क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, विच कैन बी एग्जिस्ट इन ए चार्ज बॉडी, ठीक, में से कौन सा किसी चार्ज बॉडी पे क्या कर सकता है बेटा, एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जा सकता है, ठीक है, विच कैन बी एग्जिस्ट इन ए चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी में कौन सा आपका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो देखिएगा पहला 8.0 × 10⁻¹⁷ कूलम, तीसरा
तो यहाँ से रखोगे तो एल बराबर क्यू बाई ए आएगा ना, क्यू का मान 3/2 इनटू 10 पावर माइनस 25 अपॉन कितना 1/5 इससे भाग देंगे तो दो बार जाएगा, पूरा पूरा कर दिया ना, पूरा कर दिया। पावर क्या है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 25 नीचे से प्लस 19 बचेगा 10^-6। 10^-6 का मतलब होगा 2 के आगे 2 के बटे कितने 0 6, 6 का मतलब 0.000002। ये पूर्ण संख्या है क्या है जी, मन वाले ऑप्शन वालों कोड है जी, कंप्लीट होल नंबर है, बहुत बड़ा भिन्न मिला यार, है ना, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ठीक, तो इसका एग्जिस्ट स्ट्रक्चर मिल गया ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा ठीक। दूसरा ऐसे करेंगे, इसके लिए निकालो 8.0 × 10^-17 अपॉन 1.6 × 10^-9 16/5 आपके पढ़ा होगा 80 होता है, 16/5 = 80 होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा 5 × 10^2 −17 + 19 है बचा पावर 2 और लिख सकते 500। ये होल नंबर है कि नहीं, तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी एग्जिस्ट ऑन द चार्ज बॉडी, ये सब बेसिक चीज अभी है भैया ठीक। तीसरा चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपका ये पहले वाले था, ये दूसरे वाले था, ये तीसरे वाले का है ठीक। तीसरा चेक करेंगे तो आएगा 1.44 × 10^-20 अपॉन 1.6 × 10^-9 इसे डिवाइड करेंगे बेटा ना, ये 0.69 × 144 होता है, होता है ना, 0.9 × 10^20 ये ऊपर कब जाएगा तो आएगा 0.9 × 10^-1 और माइनस होते प्लस भाग 0.09। वो नंबर है क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा क्या, तो कौन सही होगा। अच्छा अगला भी चेक कर लो 4.5 × 10^-19 तो ये पावर दोनों बराबर हो गया, 99 कट जाएगा, लेकिन अब 4.5 × 0.6 से करोगे तो पूरा जाएगा क्या, 16 × 32 16 × 48 अगर 4.8 होता तो मिल जाता, बट 4.8 नहीं है इसलिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला तीसरा चौथा कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन ये क्या चार्ज बॉडी, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेंगे नीचे में, तो कौन खाली हुआ, करेक्ट ऑप्शन में भी ओनली सेकेंड। अब सुनो एक स्टेटमेंट, क्या मेरे टाइम नहीं होता कर रहा हूँ बैठ के, किसी भी चार्ज का कोई भी जो चार्ज दिया गया है अगर उस पर जो पावर है वो 10^-19 से निगेटिव में ग्रेटर हो, किस में निगेटिव में बोले, नेगेटिव में 10^21 हो गया, 10^20 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, तो कुछ भी हो नेगेटिव में ग्रेटर पावर की वैल्यू नेगेटिव में ग्रेटर हो तो उस केस में वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू किसको मिलेगा फ्रैक्शन में। 10^-19 और 10^-20 तक आप एग्जिस्ट करा सकते हो, कब, जब चार्ज का डिवीजन करने पर आपका क्या मिल जाए होल नंबर मिल जाए, जैसे एक एग्जांपल यहाँ बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बेटा एक चार्ज है उसकी वैल्यू क्या 1.44 × 10^-19 कूलम ठीक, या 420 कूलम, और हमने निकाला डीजल की वैल्यू तो 1.44 × 10^-20 अपान 1.6 × 10^-19 कितनी बार जाएगा बेटा, लेकिन जनरल केसेस में जब हम लोग क्वांटिटी को पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल वन डिजिट पे रहता है ठीक,
जनरल केस में जब हम लोग पावर के फॉर्म में लिखते हैं क्वांटिटी, तो क्या डेसिमल पॉइंट वन डिजिट पे रखते हैं। ये तो आपको एक्सेप्शन में समझाने के लिए अलग से बना के बताया गया। तो आपको ऐसे सिंपल वे में याद रखिए, अगर पावर 10^-19 से नेगेटिव में ग्रेटर है, 19 से नेगेटिव में ग्रेटर है, तो उस केस में टेंडेंसी जो होगी या चांसेस जो होंगे एग्जिस्टेंस के नहीं होंगे। ऐसे कहीं एक्सेप्शनल कंडीशन बनेंगे तभी वो नेचर में क्या करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज नेगेटिव में पावर 19 से ग्रेटर है तो उसका एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं होगा। ठीक, तो एग्जिस्ट करने के लिए 19 से क्या होना चाहिए, पावर इक्वल आर लेस। ठीक, तो ग्रेटर होने पे एक ही आध चांस ऐसे बनाए जा सकते हैं, बाकी में हम अगर ग्रेटर 25-30 कुछ समथिंग तब तो कभी भी नहीं करेगा, बट 19-20 में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा ना, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो भैया, थोड़ा सा देख लें बेटा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक, कौन सा ला क्या था भैया, है कूलाम से ला, बहुत लोगों ने सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, 12th की पहले यूनिट है, सब लोग पढ़ते हैं और हर जगह पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक, तो उस केस में कूलाम से ला कितने लोगों को याद है भैया, कूलाम से ला लोग को याद है। चलिए आप बता दो बेटा पहले कूलाम से ला बता। हाँ जी बता, हाँ जो बता जो आ रहा बता। बोला जाता है बेटा दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स आपका होता है, मतलब फोर्स डेवलप बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या अमाउंट्स, अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या डिस्टेंस बिटवीन देयर। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, अब एक चीज कहिए समझा दें, वैसे आपके यहाँ अभी इधर तो नहीं पूछा जा रहा है बहुत टाइम से, गोल्डिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, पहले समझ ही लीजिए तभी इसमें कराते हैं, तब आप इसको समझिए। एक आता है गोल्डिंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा गोल्डिंग एक्सपेरिमेंट, पूछने पे इस टाइप से डायरेक्ट आपको ये पूछे व्हाट इज द गोल्ड लीन एक्सपेरिमेंट, उसके क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक, तो उस केस में देखो गोल्ड लीफ में क्या होता है बेटा, लीफ गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट मेटल माना जाता है, कैसा होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो बोला जाता है कि इसको इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी चार्ज है, ठीक, क्या है चार्ज के नेचर को हम चेक करेंगे, या चार्जिंग और अनचार्ज को हम बहुत क्लियरली नहीं कर सकते, बट चार्ज के नेचर को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या कह रहे चार्ज या अनचार्ज की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, देखो आपने फोर्स अप्रोक्सन सुना दे रहे हैं क्योंकि फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, दो चार पार्टिकल के बीच कूलाम्बला भी हम पढ़ेंगे, दो चार पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स आप पढ़ते हो, अनुपात को पैर चला देना केवल उसको पाए क्या आर स्क्वायर। ठीक, मतलब चार्जेस की वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इंक्रीज करेगा, है ना, क्या करेगा फोर्स, बहुत तेज नींद आ गई जी आप ही को बोल रहे हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जब चार्ज की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, चार्जेस के अमाउंट डिक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक, दूरी बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगा, और अगर दूरी घटाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, इतना चीज़ याद रखेंगे क्या, ये तो लिखी लो कूलाम्बला हेडिंग वाले पहले वही कर देते क्योंकि वहाँ बार बार समझाने में जरूरत पड़ेगी तभी गोल्डी बनाते हैं, लेकिन कूलाम्बला हेडिंग कर लिए कूलाम्बला तभी इसको बताते हैं गोल्डी को, कूलाम्बला
अरे रुक जाए, तो पहले फार्मूला छाप के बैठ जाते हो, नॉन सिस्टमेटिक से देखेगा कहेगा उल्टा चलते हैं क्या इनके सर जी, ये नहीं कहेंगे बच्चा जी ही उल्टा चलता है। चलो देखो गुलाम सलाम लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू आर इक्वल टू कर लिए या प्रोपोर्शनल टू कर लो, आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल क्या होता है जनरली हम डायरेक्टली ही लेते हैं, इनवर्सली रहेगा तो आपको बोला जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज एफ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा r स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करो क्या एफ प्रोपोर्शनल टू आएगा q1 * q2 / r स्क्वायर, बोर्ड में भी खूब पढ़ते हैं हम लोग, तो यह अपने प्रोपोजिशन में हटाओगे ना तो आएगा 1/4 q1 * q2 / कितना ठीक, तो ये वैल्यू होगी 1/4 q1 / क्या हो गया r स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ पे जो 1/4 होता है ये इस वैल्यू कितनी आती है 9/4 क्या न्यूटन मीटर का कूलम स्क्वायर डायमेंशन एप्सिलॉन का पूछा जाता है भैया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितने लोग बता सकते हैं, बताया गया है ऑलरेडी, निकाल के बता दीजिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जरा निकाल के बताइए जल्दी से, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आया नहीं आएगी बाकी लोग का, अरे शांति पूर्वक नहीं मालूम है आपका फार्मूला है 1/4 चाहिए 4π कैसा है डायमेंशन क्वांटिटी होता है ठीक, तो आप इसको यह कर लो I into t ठीक, तो I को हम लोग ए से दिखाते हैं डायमेंशन फार्मूला में और टी को टाइम को टी से दिखा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये डायमेंशन जैसे हो गया, तो इसका डायमेंशन होता है 1/4 का कितना होता है ऊपर एल के पावर यहाँ पे
में टू है, यहाँ वहाँ जितने रोका जाएगा तो माइनस एटी के पावर टू प्लस यहाँ है ये माइनस जाएगा तो एटी प्लस हो जाएगा ई के पावर टू और ए के पावर टू। तो ये डायमेंशन किसी जमाने में आपके एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, बट जमाने बदल गए हैं। ये है कि आपके लोअर एग्जाम को तो उसमें अभी भी खूब पूछा जाता है, जैसे फार्मेसी हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, या और जो एग्जाम्स अदर बनते हैं, ठीक है, तो उनमें अभी भी खूब पूछे जाते हैं। ये नीट वालों ने चूँकि वो बहुत पुरानी पहचान हो गई है तो हाँ थोड़ा सा ठीक। हाँ जी, हाँ बेटा, एप्सिलॉन नॉट बराबर सी नहीं होता बेटा, क्या होता है रूट के अंदर किसकी वैल्यू, म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी, सी इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान, फिर आप डायमेंशन लिखेंगे, हम लोग यहाँ डायरेक्ट जैसे लिख लीजिए, जब लिखना चाहते कैसे आया तो आप लिख लीजिएगा डायमेंशन साथ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आया क्या एन के पावर माइनस वन एन के पावर माइनस थ्री टी के पावर फोर ए के पावर एन के पावर माइनस वन एन के पावर माइनस थ्री टी के पावर फोर ए के पावर टू। ये डायमेंशन किसका हो गया आपका एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन का डायमेंशन हो गया एम के पावर कितना माइनस वन एन के पावर माइनस थ्री टी के पावर फोर ए के पावर, उसी का डायमेंशन था एप्सिलॉन का, हो गया कर लेंगे। चलिए आगे लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते क्या होगा बेटा, ठीक, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से दिखा देते हैं। चलिए क्या लिख दिया था आपने, तो ये हो गया आपका। अब इसके बेस पर नहीं लिखा यूनिटाइज, अगर ये चार पार्टिकल किसी मीडियम में रखा जाए तो उसके एस्ट्रोल के बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, किसका अगर ये किसी मीडियम में रखा जाए, एयर वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा फोर्स रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन यार एक चार्ज है आप प्रेजेंट इन ए मीडियम, इफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन ए मीडियम, इफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन ए मीडियम हैविंग, इफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन ए मीडियम हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, चार्ज आर प्रेजेंट इन ए मीडियम हैविंग डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट के, अगर उनका डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितने दी गई है आपकी के दी गई है, ठीक लिखिए देयर यानी मीडियम में जो लगने वाला फोर्स होगा बेटा वो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के के वन के टू वाई मतलब वन अपॉन के टाइम घट जाता है, अगर ऐसे हम लोग एफ नॉट दिखा दें मतलब जब एयर में है तो एफ नॉट दिखा दें और ये मीडियम वाले को एफ एम दिखा दिया, इनको अगर रिलेट करेंगे तो मीडियम में जब फोर्स क्या होगा फोर्स होगा तो एयर के लगने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा वन अपॉन के टाइम हो जाएगा बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड में। बाय
फर्स्ट टाइम क्या, सेकेंड एफ एम इक्वल टू एफ ए या एफ को जो भी कर रहे एफ ए कर कितना यानी कि मीडियम में किसी चार पार्टिकल को शिफ्ट करने पे उसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ तो जो भी अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन वो घटता है। अब बात आते हैं कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन होगा। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, सेम का मतलब प्लस माइनस की प्लस प्लस की माइनस माइनस प्लस हाँ जी प्लस प्लस या माइनस माइनस ठीक, तो वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट के रिपेल रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा है चोर चोर भाई भाई बोलते हैं। ठीक, यहाँ सिमिलर नेचर में क्या आता है समानताएँ आ जाती है ना। चलो लिखो बेटा, क्या लिखा आपने, हो गया तो यहाँ पर नोट कर लेना। मतलब किसी चार सेंटर को अगर हम ले रहे हैं तो उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, और यही कैसे लिखेंगे पार मीडियम, पार किसके लिए मीडियम, मीडियम के लिए कि ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है वन। मतलब एयर और वैक्यूम के लिए, ड्राई एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग केक का वैल्यू वन देते हैं, ताकि अगर कोई मीडियम आप लेंगे तो उसके लिए क्या जो केक की वैल्यू होती है ग्रेटर देन वन होता है। एयर एंड ड्राई एयर एंड वैक्यूम को छोड़ के बाकी जितने भी मीडियम हैं उनके लिए जो केक की वैल्यू होती है मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है वन होता है, तो वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो केक की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी मोर देन वन होता है फॉर ए मीडियम। ठीक, ये तो आपको लगने वाला जब फोर्स की वैल्यू होगी कैसे होगा क्या होगा यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। अब हम लोग कल पढ़े थे इसके कुलबिया चार्जेस, चार्ज सिस्टम है इस पर क्वेश्चन आपके करंटली भी पूछे जा रहे हैं। कोई चार्ज सिस्टम है तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगा कब नहीं होगा या उनके बीच लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ग्रुप ऑफ चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लेते बेटा पूरा लिखेंगे तो आप। ठीक, ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर किसी मतलब वो दें टू चार्जेस है बेटा उनकी वजह से किसी पॉइंट पे उस केस में अगर आपका क्या चार्जेस होंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस में तो उनकी वजह से हम लोग जब फोर्स की बात करेंगे तो सभी के वेक्टर सम के बराबर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा वो सभी के वेक्टर सम के इक्वल हो जाता है। तो वहाँ से ले लो आप ये मतलब ले लिया यहाँ से निकाल लेंगे कल इसका एप्लीकेशन कराया जाएगा। सर आ गए तो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ओके।